हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की, HAL इस पर्टिकुलर शेयर का नाम है। मुझे याद है ये शेयर लगभग अच्छे खासे लेवल पे आया था, काफी नीचे के लेवल पे आया था। उसके बाद शेयर में जब IPO आया था तो अच्छी खासी गिरावट हुई। गिरावट के बाद जब ये शेयर चलना शुरू हुआ तो इस शेयर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस शेयर ने अच्छी खासी आपकी वेल्थ बनाई, 600 रुपए से ये स्टॉक्स ये लगातार भागा। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीच में यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर ने एक स्प्लिट भी दिया है, ठीक है, जिनमें 1:1 का ये मतलब शेयर मान के चलिए अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना है। और डिविडेंड तो कंपनी देती आ ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। बट हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये शेयर 5700 रुपए के भाव से, 5675 हाई है, वहां से 4200 रुपए पे आ गया है। तो क्या कुछ गलत हो गया इस शेयर के साथ, ठीक है? क्या बेच देना चाहिए, जिसके पैसे बने हो तो वो क्या करना चाहिए, उन सभी चीजों से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। जानेंगे इस पर्टिकुलर शेयर में वीडियो में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को सीखने पर फोकस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। और सीखने के लिए क्या है, वीडियो यहाँ जाइए, एक से बढ़कर एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को आपको मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको सीरियस हो स्टॉक मार्केट में सीखने में तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर हमारा कोर्स है, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 25,000 रुपए का कोर्स है, यहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्यों शेयर भागते हैं, क्यों गिरते हैं, वो सारा आइडिया आपको लग जाएगा, है ना। 888 और 1:1 क्लासेस होगी और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हुई नजर आएगी। साथ में हम बात करें, अगर आपको 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की में 50,000 होने वाले हैं सीधे, 88605405015, 8169260037, दोनों नंबरों को क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड कि ये कंपनी करती क्या है ना, शेयर से रिलेटेड हम जानेंगे, ठीक है, कि क्या होता हुआ नजर आता है यहाँ पर। बट उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे चैनल का ट्विटर अकाउंट है, ठीक है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर बनाई है, जहां पर मैंने इंडिकेट किया है कि स्टेज 1 कैसे शेयर स्टॉक मार्केट काम करता है, वो आपको आइडिया लग जाएगा। स्टेज 1, स्टेज 2 जहाँ पर पैसा बनता है, स्टेज 3 और स्टेज 4, ये चीज मैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ाता हूँ कि कब, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, वो सब आपको पता चलती हुई नजर आएगी। और मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं, जब हम बात कर रहे हैं हाल से, जब मैं इसका चार्ट दिखाऊंगा ना तो हम यहाँ पर बात करेंगे, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करने वाले और जानने वाले हैं। तो हाल की अगर हम बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न नीचे के लेवल से बहुत शेयर मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आया है, एक तरीके से आप ये कह लीजिए। कंपनी करती क्या है, कंपनी यहाँ पर डिफेंस में है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है एयरक्राफ्ट को एंड हेलीकॉप्टर्स, बनाती हुई नजर आती है, रिपेयर करती हुई नजर आती है, उनका मेंटेनेंस करती हुई नजर आती है। इनकी आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक चीज से बढ़कर एक सारी चीजें यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर कंपनी क्या करती हुई नजर आती है, किस तरीके से करती हुई नजर आती है। तेजस जो हमारे भारत की शान है, ठीक है, वो ये बनाती हुई नजर आती है, ये जो सिविल एविएशन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये स्पेस के लिए जो कुछ ये सारी चीजें, ये सिस्टम्स है, MRO, ये पर्टिकुलर कंपनी ही बनाती हुई नजर आती है, ठीक है। अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा इसका काम भी है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जाइए, आपको सब कुछ पता चलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आपको सारा नाम भी, SU-30MK, हॉक, ये सब चीज यहाँ पर आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल बात करें, अच्छा खासा काम है इस पर्टिकुलर कंपनी का। बात करें मार्केट कैप की तो 2,283,180 करोड़, मतलब लार्ज कैप कंपनी है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा पी की बात करें 34 का, इंडस्ट्री के पी की बात करें 73 का है, तो अभी भी यहाँ पर सस्ता नजर आता है। बट मैं हमेशा कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि आपको पी के बेस पे काम नहीं करना, पी जस्ट अमित, ठीक है। स्टॉक मार्केट जिस तरीके से काम करती है और जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, दोनों अलग चीजें तरीके से काम करती है, तो इसलिए थ्योरी के पीछे नहीं, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के पीछे भागना है, और वो ही हम यहाँ पर सिखाते भी है। ROCE काफी बेहतरीन है, डेट फ्री शेयर है, किसी तरीके की प्लेजिंग नहीं है, ठीक है। और 5600 रुपए से शेयर यहाँ पर 4200 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है, फेस वैल्यू 5 की यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चार्ट की बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से शेयर यहाँ पर आया, और आने के बाद शेयर यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पर जाता हुआ नजर आया। तो मल्टी बैगर रिटर्न नॉन स्टॉप,
इसने रैली करी है नॉन स्टॉप, आपको यहाँ पर पैसे बना के यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी ने दिया, और हमने इस शेयर से रिलेटेड काफी बारे बातें करी है, ये भी मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको पता चलेगा कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, बट याद रखिए इनका परफॉर्मेंस सीजनल बेसिस पे हो रहा है, बट ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, साथ में यहाँ पर अच्छे खासे ऑर्डर आने वाले टाइम में भारत को मिलते हुए नजर आएंगे, इस चीज को भी याद रखिएगा। और यहाँ पर हम देखे तो यहाँ पर पता चलेगा कभी शेयर, कभी ये जो कंपनी है 1600 करोड़ की सेल्स करती थी एक क्वार्टर में, फिर कभी 5000 की, कभी 12000 करोड़ के आसपास की, फिर यहाँ पर आप देखोगे फिर 12000, फिर 3000, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। और यहाँ पर अभी देखोगे तो कंपनी की सेल्स ईयरली बेस पे तो ठीक है, बट क्वार्टरली बेस पे बहुत अच्छी खासी गिरावट है और लगातार गिरावट हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर तो अच्छा था, फिर दोबारा गिरावट होती ही नजर आई, तो कभी पल में माशा पल में तौबा वाला यहाँ पर खेल है, ठीक है। साथ में यहाँ पर देखोगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा खासा, यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। कंपनी यहाँ पर आप देखोगे ईपीएस, तो कंपनी का ईपीएस यहाँ पर अच्छा खासा है, ठीक है। और यहाँ पर ईयरली बेस पर परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी के ईयरली बेस पर परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, तो अगर कंपनी अच्छा काम करती है, ठीक है, अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट करती है, तो मुझे लगता है प्रेजेंट इन द सेंस यहाँ पर कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट पेश करती है, शेयर और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड हम चार्ट में जब जाएंगे तब बात करेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर 8000 करोड़ का यहाँ पर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट भी होता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स है 2800 2800 हजार करोड़ के, बोरिंग ना के बराबर है, 2492 करोड़ रुपए इन्होंने वर्किंग प्रोग्रेस में लगा रखे है, 1500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें तो 26000 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको बोनस भी देती हुई नजर आ सकती है, और 5 रुपए का फेस वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, हम बात करें यहाँ पर आने वाले टाइम में स्प्लिट दोबारा देखने को मिल सकता है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें और चीजों की तो यहाँ पर देखिए जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर हम बात करें 71% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि अपनी हिस्सेदारी और बेचे। एफआईज जो पहले उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई, फिर अब इन्होंने हिस्सेदारी यहाँ पर धीरे धीरे कम करी है, बट फिर भी 12% के आसपास की ही है। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने हिस्सेदारी कम कर दी है 14% से 10, 10 से 9, 9 से 8 पे आ गए हैं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक की हिस्सेदारी पहले तो यहाँ पर ज्यादा से कम की गई, कम से फिर ज्यादा की गई, और अभी बात करें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो याद रखिए पब्लिक बेशक से कितनी भी स्मार्ट हो, बट पैसे तो यही लोग बना के निकल के चले जाते हैं, और रिटेल यहाँ पर कभी ना कभी फंसती हुई नजर आती है, जो कि यहाँ पर इंडिकेट भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको सही तरीके से अपना सीखना पड़ेगा और सीख के करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर एविडेंट है कि किस तरीके से चीजें चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो यह सारी की सारी बात है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, ठीक है, बट शेयर ऑलरेडी नीचे से कहाँ पर से कहाँ भाग गया है, उसे भी हमें इग्नोर नहीं करना है, ओके। और शेयर एक अच्छी खासी तेजी कर चुका है। अब बात करेंगे चार्ट से लेके कि चार्ट क्या कह रहा है, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, है ना, और सीखे, नंबरों को नोट कर लीजिए, यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जब मैंने ये चार्ट दिखाया तो ये चार्ट आपको एक तस्वीर दिखाता है, बट ये चार्ट यहाँ पर इतना गिर जाएगा ऐसा शायद यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड एक बेहतरीन कंपनी है, ठीक है, अच्छा खासा काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। बट स्टिल यहाँ पर वो ही पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे अच्छी खासी तेजी हुई है, एक अच्छा खासा पैसा बना है, और फिर यहाँ पर इक्विटी एक्सचेंज करके बड़े लोग फंसा के छोटे लोगों को यहाँ पर निकल गए। बड़े लोगों ने यहाँ पर पहले, हाँ, बड़ी मछली ने छोटी मछली को खाया और खा के यहाँ पर निकल चुके हैं। अब क्या है सपोर्ट, 3936, ठीक है, 3936 का एक सपोर्ट नजर आता है, जो कि ये वाला है। अगर यहाँ पर टिक जाता है ये मार्केट तो अच्छी बात है, तो यहाँ से दोबारा वापस बाउंस बैक हो जाएगा और शेयर दोबारा 5600 के आसपास का, फिर 10000 भी जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। बट कंपनी को अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, है ना, आप कंपनी को अच्छा खासा परफॉर्म करना होगा, उस केसेस में यहाँ पर जा सकता है, अदरवाइज ये शेयर, ये सपोर्ट है, और अगर ये सपोर्ट टूटा तो चीजें और बिगड़ती हुई नजर आएगी। फिर यहाँ पर जो सपोर्ट है 3600 रुपए के आसपास का है, और फिर 2900 और 2000 के आसपास का है, और इस एरिया में याद रखिएगा बहुत ज्यादा शेयर बेचे गए हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिएगा, स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे नीचे के लेवल पे लेने की कोशिश करोगे, ठीक है, सोचोगे कि यहाँ पर मैंने ले रखा है, मैं यहाँ पर एवरेज कर लू, मैं यहाँ पर एवरेज कर लू, मैं यहाँ पर एवरेज कर लू, तो इट इज अ फॉलिंग नाइफ, ये फॉलिंग नाइफ है, तो फॉलिंग नाइफ को पकड़ोगे तो अगर पकड़ लिया सही से तो शायद बल्ले बल्ले हो जाए,
वरना आपके 90% चांसेस ये रहेंगे कि यहाँ पर जो पैसा लगाया उस पर लॉस खाया, यहाँ लगाया उस पर लॉस खाया, यहाँ लगाया उस पर लॉस खाया, यहाँ लगाया उस पर लॉस खाया, और शेयर नीचे गिरता गया गिरता गया, और आप केवल लॉस में बैठे हुए हो। आप एवरेज किए जा रहे हो, एवरेज बेशक से हो जाए, फिर आपका अगर रीजन 5 साल 10 साल 20 साल का है तो बात अलग है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता अब ये यहाँ पर से चलने वाला है। पैसे अब शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, इसलिए इनकी पिटाई हो रही है, और दूसरे सेक्टर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहो तो हमारी यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, इन नंबरों पे कॉन्टेक्ट करके आप हमारे साथ हमें ज्वाइन कर सकते हो। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पर फोकस करना है, सीखने के लिए वीडियोज है ना, हमारा यहाँ पर चैनल है सेल प्लस में, हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वहां पर आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड।